हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सिया एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगी समरी अ थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स की। काफ़ी हार्ट टचिंग स्टोरी है और शायद आप सुन के रो भी दो। ये कहानी एक छोटी सी लड़की मरियम की है, जो कि अफ़गानिस्तान में हेरात के पास एक छोटे से गांव में अपनी अम्मी के साथ रहती है। मरियम के अबू का नाम जलील है, जो कि हेरात में ही रहता है और उसका खुद का सिनेमा हॉल है। और मरियम की अम्मी, जिसका नाम है नाना, जलील के घर में काम किया करती थी और तभी इन दोनों के बीच रिलेशंस बनने लगे थे। जब जलील को पता चला कि नाना प्रेग्नेंट हो गई है, तो वो उसे हेरात के पास गांव में छोटे से घर में रख के आ गया। जलील की पहले से 3 बीवियां और 10 बच्चे हैं, यानी कि 3 लेजिटिमेट वाइफ्स और 10 लेजिटिमेट बच्चे, पर मरियम नाजायज़ थी, यानी कि इलेजिटिमेट। उसे अक्सर लोग हरामी बोला करते थे और कई बार तो उसकी अम्मी भी उसे गुस्से में हरामी बोल देती थी। जब उसने पहली बार हरामी शब्द सुना था, तब वो बहुत छोटी थी और उसे हरामी का मतलब भी नहीं पता था। जब वो बड़ी हुई, तब उसे पता चला कि हरामी का मतलब नाजायज़ होता है और लोग उसे हरामी क्यों कहते हैं। मरियम का अब्बू जलील उससे हर थर्सडे को मिलने आता है और मरियम को भी उससे मिलना बहुत पसंद है। वो हर थर्सडे जलील का इंतज़ार करती है और अगर कभी वो नहीं आ पाता तो उससे नाराज़ भी हो जाती है। मरियम को जलील बहुत पसंद है, पर नाना उसे हमेशा बताती रहती है कि जलील अच्छा इंसान नहीं है, उसकी वजह से ही हमें ये बेगैरत ज़िंदगी जीनी पड़ रही है। वो ये सब दिखावा करता है अच्छा होने का, और जलील मरियम को हमेशा इसका उल्टा बताता है कि उसकी अम्मी झूठ बोल रही हैं। नाना भले ही मरियम को कितना भी सच से वाकिफ कराना चाहे, मरियम को जलील बहुत अच्छा लगता है। मरियम की ज़िंदगी में अम्मी अब्बू के सिवा एक और आदमी है जिसे वो अपना मानती है, मुल्ला फैजुल्ला। वो उसके गुरु हैं, वो उसे घर पे ही रह के बेसिक एजुकेशन देते हैं, उसे कुरान के बारे में बताते हैं और मरियम उन्हें अपनी सारी बातें और सारी प्रॉब्लम्स बताती है। मरियम एक दिन मुल्ला फैजुल्ला को कहती है कि उसे भी स्कूल जाके आगे की पढ़ाई करनी है, तो मुल्ला फैजुल्ला नाना से बात करते हैं और नाना साफ साफ मना कर देती है कि ये भी पढ़ लिख के शहर चली जाएगी और मेरा कौन बचेगा यहाँ। उसकी ज़िंदगी में मरियम के सिवा कोई नहीं है। भले ही वो गुस्से में मरियम को कितना भी गुस्से में कुछ बोल ले, पर सपने में भी अपने से मरियम को दूर नहीं देख सकती। नाना उससे बहुत प्यार करती है। पर मरियम एक बार शहर जाना चाहती है। वो जलील को कहती है कि उसे एक फिल्म देखनी है जलील के सिनेमा हॉल में, तो अगली बार जब वो उससे मिलने आए तो उसे भी साथ ले चले। पर जलील आता ही नहीं है, तो मरियम खुद शहर की ओर चल देती है। किसी तरह पता पूछ पूछ के जलील के घर पहुंचती है। उसे बहुत खुशी होती है कि अब जलील उसे पूरा शहर घुमाएगा। वो दरवाजे पर आवाज़ लगाती है तो अंदर से एक लड़की आती है, और मरियम जब उसे अपने बारे में बताती है तो वो अंदर की तरफ भाग जाती है। थोड़ी देर बाद अंदर से एक आदमी आता है और मरियम को कहता है कि जलील शहर से बाहर गया हुआ है, तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, वो इंतज़ार कर लेगी। तो वो आदमी कहता है कि जलील को आने में बहुत वक्त लग जाएगा, तुम यहाँ से चली जाओ। पर मरियम घर के बाहर बैठ के जलील का इंतज़ार करती रहती है, घंटों वहीं बैठी रहती है। फिर गुस्से में वो आदमी बाहर आता है और मरियम को कहता है कि तुम्हें कहा था ना यहाँ इंतज़ार नहीं करने को, तुम्हारी वजह से घर में तमाशा हो गया है। जलील ने कहा है तुमको घर छोड़ के आने के लिए, वो तुमसे नहीं मिल पाएगा, और उसे वहाँ से भगाने लगता है। जब वो नहीं मानती तो उसे खुद ही अपने हाथों से पकड़कर शहर की ओर चल देता है। तब मरियम को समझ आता है कि उसने कितनी बड़ी भूल कर दी है। उसकी अम्मी जलील के बारे में सही कहती थी, वो एक बुरा आदमी है और प्यार का दिखावा करता है। पूरे रास्ते वो गुस्सा करती रही, अफसोस करती रही कि काश वो अपनी अम्मी की बात सुन लेती। जब वो घर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी अम्मी ने खुद को फांसी लगा ली है। मरियम के तो पैरों तले ज़मीन ही घिसक गई कि ये क्या हो गया। उसकी माँ ये दुख सहन नहीं कर पाई कि जिस इंसान की वजह से वो ऐसी ज़िंदगी जी रही है, उसी इंसान से मरियम को इतना लगाव है। मरियम अब अपनी माँ का दर्द समझ पा रही थी, उसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी, पर अब वो कर भी क्या सकती थी।
कुछ दिनों बाद जलील उसे अपने घर ले गया कि उसे देखने वाला कोई नहीं है। मरियम को तो पता चल ही चुका था कि ना गांव में कोई देखने वाला है और ना हैरात में उसका कोई अपना है, तो वो बस उस घर के कमरे में अकेले बैठी रहती थी। कुछ दिनों बाद उसे नीचे बैठक में बुलाया जाता है। जलील और उसकी पूरी फैमिली वहाँ पर होती है। वो मरियम को कहते हैं कि हम लोग ने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है, राशिद नाम है और उसकी अपनी जूतों की दुकान है, अच्छा कमा लेता है और इसकी उम्र 45 साल है। जी हाँ, 45 साल। और मरियम कितने साल की थी? 14 या 15 साल की। अफगानिस्तान में ऐसी ही शादियाँ होती हैं, 14 से 15 साल की बच्चियाँ और 40 से 50 साल का बुढ़ा। राशिद की पहले भी एक बीवी थी, बच्चे को जन्म देते वक्त वो मर गई थी और जो बेटा पैदा हुआ था वो कुछ साल पहले डूब के मर गया था। तो अब इसको एक बीवी चाहिए जो इसके लिए बच्चा पैदा कर सके और इसकी हवस का शिकार बनती रहे। मरियम सबको कहती रही कि उसे निकाह नहीं करना, पर फिर भी वो लोग ज़बरदस्ती उसका निकाह राशिद से करवा देते हैं। जलील से थोड़ी आस लगाए बैठी थी मरियम कि वो उसे इस निकाह से बचा लेगा, अब तो वो भी टूट गई। निकाह के बाद वो अपने शौहर के साथ काबुल चली गई। मरियम बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, लेकिन राशिद उसे बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा था। मरियम उसके लिए खाना बनाती तो तारीफ भी करता था, उसे घुमाने भी ले जाता था। लेकिन ये प्यार और इज्जत तब तक ही रही जब तक राशिद को लगता था कि उसके लिए वो बच्चा पैदा करेगी। लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मरियम प्रेग्नेंट तो होती थी पर कुछ दिनों बाद ही उसका बच्चा गिर जाता था, और ऐसा एक दो बार नहीं, 6 बार हो चुका था उसके साथ। बेचारी मरियम इतना दर्द सहती थी और उसके बाद में उसे मिलता क्या था? राशिद का गंदा बिहेवियर। अब तो राशिद उसे मारता पीटता भी था, जब मन करता था उस पर हाथ उठा के अपना गुस्सा उतारता था। मरियम हमेशा अपनी माँ को याद करती कि उसकी माँ ने सही कहा था, औरत की ज़िंदगी में बस मर्द को झेलना और उसके अत्याचार को बर्दाश्त करना लिखा हुआ है। उनके मोहल्ले में एक और परिवार रहता था, फरीबा नाम की औरत थी। उसने कुछ दिनों पहले ही एक बच्ची को जन्म दिया था, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी वो। उसके माँ बाप यानी कि हाकिम और फरीबा ने उसका नाम लैला रखा था। लैला का एक दोस्त है तारिक, लैला उसे बहुत पसंद करती है और तारिक भी उसे बहुत पसंद करता है। लैला की बचपन की ज़िंदगी मरियम से अलग होती है क्योंकि वो हरामी नहीं होती और इसके अब्बू काफ़ी अच्छी सोच के होते हैं। वो लैला को पढ़ाना चाहते हैं और जीवन की हर खुशी देना चाहते हैं, पर लैला के अम्मी अबू हमेशा लड़ते रहते हैं क्योंकि लैला के दो बड़े भाई भी हैं, अहमद और नूर, जो सोवियत आर्मी के खिलाफ जंग में लड़ने के लिए मुजाहिदीन से जुड़ गए हैं। लैला की अम्मी उससे प्यार तो बहुत करती है, पर वो ज़िंदा बस इसलिए है ताकि अपने बेटों को एक बार देख पाए। एक दिन दो अनजान लोग इनके घर आए और कुछ ऐसी खबर दी कि लैला के अम्मी अबू पर तो दुखों का पहाड़ टूट गया। अहमद और नूर जंग में शहीद हो गए थे और घर में मातम छा गया। अफगानिस्तान के हालात भी बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे थे। 1980 से ही विद्रोह चल रहा था सोवियत आर्मी और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के खिलाफ। 1989 के वक्त आया जब सोवियत आर्मी अफगानिस्तान छोड़कर जाने लगी, पर अफगानिस्तान में सिविल वॉर की वजह से टेंशन धीरे धीरे और बढ़ती ही जा रही थी। कहीं भी अटैक्स हो रहे थे, किसी को भी बेरहमी से मार दिया जाता था, किसी भी लड़की का रेप हो रहा था, घरों पे बॉम्ब गिर रहे थे, मतलब हालात तो ऐसे थे ना, नर्क से भी बदतर। अफगानिस्तान के ऐसे हालात देखकर तारिक और इसका परिवार काबुल छोड़कर पाकिस्तान जा रहे थे। जाने से पहले तारिक लैला के पास आया और उससे भी साथ चलने को कहा, पर लैला अपने अम्मी अब्बू को छोड़ के कैसे जा सकती थी। तो तारिक ने उसे वादा किया कि वो एक दिन काबुल वापस ज़रूर आएगा और उससे ही निकाह करेगा। वैसे जाना तो लैला भी चाहती थी पाकिस्तान और उसके अब्बू भी चाहते थे, लेकिन उसकी अम्मी नहीं मानती थी। वो कहती थी कि हमारे बेटों ने यहाँ इस वतन के लिए अपनी जान दी है, हम ये वतन छोड़ के कैसे जा सकते हैं। पर एक दिन लैला को गोली लगते लगते बचती है, तो वो समझ जाती है कि उनका वहाँ पर रहना सेफ नहीं है, तो वो लोग भी सामान बांधने लगते हैं वहाँ से जाने के लिए। लैला आंगन में बैठी होती है
और उसके अम्मी अब्बू अपने अपने कमरे में सामान बांध रहे होते हैं, तभी ज़ोर से एक धमाके की आवाज़ आती है। उनके घर पे बॉम्ब गिरा था। लैला तो दूर उड़ के चली जाती है, पर उसके अम्मी अब्बू वहीं पे मर जाते हैं। हर जगह मलबा था और धुआं हो गया था। ज़ोर ज़ोर से लोगों की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। हर जगह अफरा तफरी मच गई थी। लैला तो बेहोशी हो गई थी और उसे काफ़ी चोट आई थी। जब उसे होश आया तो वो राशिद के घर पे थी। उसे कुछ याद नहीं था कि क्या हुआ। राशिद और मरियम ने उसे बताया कि उसके साथ क्या हुआ और उसे समझाया और हौसला दिया कि वो लोग उसके साथ हैं। पर लैला अपने अम्मी अब्बू को खोने के गम में रो ही जा रही थी। लैला को देख मरियम को भी वो दिन याद आ गया जब उसकी माँ उसे छोड़ के चली गई थी। लैला किसी तरह अपने आप को दिलासा देती थी कि कम से कम तारिक तो ज़िंदा है जिसे वो अपना कह सके। कुछ दिनों बाद उनके घर एक अब्दुल शरीक नाम का आदमी आता है। आते ही कहता है उसे लैला से मिलना है। लैला को लगा कोई अम्मी अब्बू का जानने वाला रिश्तेदार होगा, पर वो कहता है नहीं, मैं अब्दुल शरीक हूँ और काबुल से पाकिस्तान आता जाता रहता हूँ। मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए एक पाकिस्तान के हॉस्पिटल में मैं एडमिट हुआ था और उसी हॉस्पिटल में मैं तारिक से मिला था। तारिक अब्दुल शरीक को बताता है कि वो लैला से कितना प्यार करता है और उसे बहुत ज़्यादा याद करता है। अब्दुल शरीक ने लैला से कहा कि उसने मुझे तुम्हारा पता दिया और मुझे वादा करने को कहा कि जब भी मैं काबुल आऊँ एक बार तुमसे ज़रूर मिलूँ। तारिक और उसका परिवार जब पाकिस्तान जा रहे थे तो उनकी गाड़ी पर हमला हुआ था और कई लोग मारे गए थे। तारिक हॉस्पिटल में था और हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी उसकी। जिस दिन उसने मुझे तुम्हारा पता दिया उसके अगले दिन ही वो मर गया। लैला तो ये सुन के अपने होश ही खो बैठी थी कि ये क्या हो गया, पहले अम्मी अब्बू और अब तारिक। उसे लगने लगा कि शायद उसने ही कोई पाप किया था कि वो ज़िंदा बची है और जिनसे भी वो प्यार करती है सब मर गए। लैला की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। राशिद उसे समझाता बुझाता है, उसे बहुत प्यार से बात करता है और कहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा चाहे ज़िंदगी में कोई भी परिस्थिति आए। मरियम को ये बात कुछ समझ नहीं आती कि ये औरतों की तो बिल्कुल इज्जत नहीं करता और अभी इतना प्यार कहाँ से उमड़ रहा है। पर बेचारी मरियम को क्या पता था कि इस बुढ़े राशिद के दिमाग में अलग ही पकवान पक रहे हैं। राशिद लैला से निकाह करना चाहता था, मतलब इस घटिया से आदमी के दिमाग में अब भी हवस और औलाद की चाह भरी हुई थी। लैला अभी 14 से 15 साल की थी, जैसे एक वक्त पे मरियम थी जब उसका निकाह हुआ था, और वो बुढ़ा राशिद तो बस आखिरी सांसें गिन रहा है, पर आज तक किसी के लिए हमदर्दी नहीं जगी, बस औलाद चाहिए। मरियम सोचती है कि ये बुढ़ा उस बच्चे की भी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा, तो वो लैला को आगाह करने गई कि वो राशिद को निकाह के लिए मना कर दे। पर राशिद जब लैला से पूछने गया तो उसने निकाह के लिए सहमति भर दी। पर लैला का ये डिसीज़न किसी वजह से ही था। लैला प्रेग्नेंट थी, वो भी तारिक के बच्चे के साथ, और अगर वो राशिद से निकाह नहीं करती तो कुछ दिनों बाद सच्चाई पता चलने पर राशिद उसे घर से बाहर निकाल फेंकता। वैसे भी लैला की हाँ ना से ज़्यादा फ़र्क कहाँ पड़ रहा था, राशिद कैसे भी उसे ज़बरदस्ती से शादी कर ही लेता। निकाह के बाद वो लैला को भी बहुत अच्छे से ट्रीट करता, जैसे कि एक वक्त पे मरियम को करता था। अब मरियम को भी लैला पे बड़ा गुस्सा आता था कि उसने राशिद के साथ निकाह किया ही क्यों। राशिद लैला को रानियों की तरह रखता था और मरियम को नौकरानियों की तरह। उसे जब मन करता था मारता था, पीटता था। फिर लैला प्रेग्नेंट होती है, वैसे तो पहले से ही थी, पर राशिद को लग रहा था कि वो उसका बच्चा है। डिलीवरी हुई तो एक लड़की पैदा हुई और राशिद का तो दिमाग ख़राब हो गया क्योंकि उसे एक लड़का चाहिए था। वो इन सब का ब्लेम मरियम पर डालता है और उसे मारने वाला होता है, तभी लैला उसे रोक लेती है। वो उसे बचाती है कि इसमें मरियम का क्या दोष। मरियम लैला की बच्ची अजीज़ा, उसका नाम अजीज़ा रखा गया था, अजीज़ा से काफ़ी ज़्यादा अटैच होने लगती है। धीरे धीरे मरियम को समझ आता है कि लैला की भी क्या गलती थी, उसकी भी मजबूरी थी। फिर लैला और मरियम एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा बातें करने लगते हैं, हर चीज़ शेयर करने लगते हैं, और उनको जोड़ने की जो डोर थी वो थी अजीज़ा। लैला मरियम को बताती है कि अजीज़ा का असली अब्बू तारिक है, राशिद नहीं, और वह उसे लेकर पाकिस्तान भागना चाहती है। वो मरियम को भी साथ चलने कहती है क्योंकि अफ़गानिस्तान में अब तालिबानी आ गए थे और वो औरतों को तो इंसान का दर्जा भी नहीं देते थे।
औरतों को मर्द की एक ज़रूरत समझते थे और बच्चा पैदा करने की मशीन, जब मन चाहे उसका रेप करके अपनी हवस पूरी करने के लिए एक पुतला समझते थे। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है तो अभी के लिए बस इतना ही। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि लैला और मरियम राशिद और तालिबानियों से बच के पाकिस्तान से जा पाते हैं या नहीं। काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, पर एंड वाला पार्ट देख के आपको काफ़ी सुकून मिलेगा। अगर समरी अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।